नमस्कार, डिवाइन देवी के 10 महाविद्या श्रेणी अंतर्गत आपका स्वागत है। 10 महाविद्या क्या है, साधना कैसे होती है, वह हमने अगले एपिसोड में जाना। अगर आपने वह नहीं देखा है तब पिछले एपिसोड को जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम 10 महाविद्या की प्रथम विद्या के बारे में जानेंगे। माता महाकाली 10 महाविद्या में प्रथम स्थान की देवी है। महातंत्र निर्वाण के अनुसार संसार को प्रलय के समय ब्रह्मांड का भक्षण शिव करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड के हर तत्व को खाने के कारण महाकाल कहा जाता है। महाकाल को भी भक्षण करने की क्षमता के कारण ही आपका नाम महाकाली पड़ा। महाकाली काली कुल की सर्वोत्तम देवी मानी जाती है। समग्र ब्रह्मांड में प्रथम माता ने अंधकार से प्रकट होकर विश्व का त्रिदेवियों का सृजन किया। यह अंधकार से उत्पन्न होने पर देवी को महाकाली कहा जाता है। 10 महाविद्या में महाकाली महाविद्या कल्प वृक्ष समान शीघ्र फलदायी एवं समस्त कामना पूर्ति में सहायक है। जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तब साधक को प्रथम शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी ज्ञान मुक्त दायक और प्रबल ज्ञानी महाकाली साधना की दीक्षा मिलती है। जब संसार में कुछ नहीं था तब तमोह था। सृष्टि के सृजन पूर्व जो कोई विद्या है वो महाकाली ही है। आगम शास्त्रों में इसलिए माता को प्रथमा आद्य तथा आदि कहा गया है। माता को कराल वदना घोर रूपा भी कहते हैं। देवी काली का वर्ण गहरा नीला है तथा उनकी छवि उग्र है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब शुंभ निशुंभ के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता हिमालय गए तथा देवी आदिशक्ति की स्तुति करी तब माता पार्वती के शरीर से एक तेजोमय देवी प्रकट हुई। उनका वर्ण काला होने के कारण वह कौशिकी कहलाई। माता ने दुर्गमासुर का वध किया इसलिए माता को दुर्गा भी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुनि ने माता से युद्ध किया तब कौशिकी को क्रोध उत्पन्न हुआ, उनका मुख काला पड़ गया। देवी कौशिकी के ललाट से एक तेजोमय उग्र स्वरूपा देवी का प्राकट्य हुआ। माता जब रक्त बीज के रक्त का पान करने के लिए विशाल रूप धारण किया तब माता के उस उग्र रूप से दानव भयभीत हो गए। देवता ने उस उग्र रूप को देखकर स्तंभित होकर कहा, न भूतो न भविष्यति, अर्थात ऐसा भयानक रूप न भूतकाल में हुआ है न ही भविष्य में होगा। माता ने खड़क के प्रहार से रक्त बीज का वध कर उसका रक्त अपनी लंबी जीवा तथा खप्पर में भर के पान करने लगे। माता का उग्र स्वरूप और भी उग्र हो गया। माता ने चंडमुंड का वध एक प्रहार से कर दिया। माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि संसार में प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। सृष्टि का नाश ना हो इसलिए देवी को शांत करने के लिए महाकाल शिव जी धरती पर लेट गए। माता तांडव करते करते जब शिव जी के देह पर पैर रखा तब माता का क्रोध शांत हो गया। कालिका पुराण के अंतर्गत सभी देवता जब मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर आदिशक्ति की प्रशंसा करी तब स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने एक तेजोपुंज निकला जिसमें से एक विशालकाय देवी प्रकट हुए। इनके स्वरूप से सूर्य चंद्र भी ढक गए, दिन भी रात्रि में परिवर्तित हो गया। महाकाली का स्वरूप रहस्य। महाकाली माता के बारे में काली तंत्र में एक ध्यान मंत्र है जिसके अनुसार माता महाकाली मोदे पर सवार है। उनकी आकृति महाडरावनी है, उनका अट्टहास्य भयानक है। इनके चार हाथ है, एक हाथ में खड़ग है, एक में नरमुंड है, एक में अभय मुद्रा है, एक में वरदान मुद्रा है। माता के गले में नरमुंडों की माला है। माता की जिह्वा बाहर निकली हुई है। माता ने ऋषा के वस्त्र धारण किए हैं। माता की आवास भूमि श्मशान है। महाकाली के विभिन्न रूप और स्वरूप है जो इस प्रकार से है, एक है दक्षिण काली, दूसरे है भद्रकाली, तीसरे है श्मशान काली, चौथे है कली काली, पांचवे है गुह्य काली, छठे है कामकला काली, सातवे है हंस काली, आठवे है सिद्ध काली और नौवे है चंड काली। इन स्वरूपों में से तीन स्वरूप मुख्य है, एक है दक्षिण काली, दूसरे श्मशान काली और तीसरे भद्रकाली। पहले हम दक्षिण काली माता के बारे में जानेंगे। दक्षिण काली का अर्थ है दक्षिण मुखी काली, जो ज्ञान की ओर भक्तों को ले जाती है। यह माता वरदान देने में बहुत चतुर है इसलिए उन्हें दक्षिणा भी कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य समाप्ति होने पर दक्षिणा फल देने वाली होती है इसी प्रकार देवी भी सभी सिद्धि फलों की प्राप्ति कराती है। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी पूजा सर्वप्रथम करी थी, इस कारण माता को दक्षिण कालिका कहते हैं। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा है। भगवती भक्तों की साकार रूप में स्तुति करने पर स्वरूप धारण करते हैं। योगिनी तंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मा जी तथा विष्णु की रचना में मां महाकाली के पसीनों से हुई थी।
जब महाकाली महाकाल के साथ नृत्य कर रही थी तब उनकी थोड़ी से दो पसीने की बूंदे गिरी। इन दो बूंदों से ब्रह्मा तथा विष्णु का अस्तित्व हुआ। आगे कहा गया है कि जब इन दोनों देवता को उन्हें अस्तित्व का ज्ञान नहीं था तब शिवजी ने उन्हें दिव्य मंत्र दिया। माता की दिव्य तपस्या ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने करी। इनकी तपस्या से माँ काली ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा आपको शास्त्र और सृष्टि का ज्ञान है, इसलिए आप इस ब्रह्मांड के निर्माता बनेंगे। तथा विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु आप मेरे महान भक्त है जिन्हें वेदों का ज्ञान है, आप हर प्रकृति और भावना में धर्म के बारे में जानते हैं, इसलिए आप सृष्टि का नियंत्रण करेंगे। माता भद्रकाली, यह माता काली का शांत स्वरूप है। इस स्वरूप में काली शांत है और माता वर देती है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार यह पार्वती के क्रोध से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वंसक देवी है। भद्रम मंगलम सुखम वा कलपति स्वीकरोति भक्ति व्योदातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा। कुछ ग्रंथ माता महाकाली को शिव की बेटी के रूप में पूजते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इनकी पूजा भक्त को शुद्ध करती है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्ति देती है। अन्य ग्रंथों में माता भद्रकाली को वीरभद्र की बहन माना जाता है, जो स्वयं रुद्र के रूप में शिव के प्रकोप से पैदा हुई थी। तीसरे है श्मशान काली। जो जन्म लेता है उसका आखिरी स्थान श्मशान होता है, वहीं से परलोक की यात्रा का प्रारंभ होता है। यह श्मशान में भूत पिशाच उग्र देवता तथा अघोरियों का वास होता है। श्मशान काली यहाँ निवास करते हैं। माता को संहार काली या वामा काली कहा जाता है। माता महाकाली का यह सबसे भयानक तथा शक्तिशाली रूप है। संहार काली तंत्र मार्ग की प्रमुख देवी है। अगर माता काली का बायां पैर आगे तथा दाहिने हाथ में तलवार हो तो वो श्मशान काली का रूप होता है। माता मृत्यु तथा निवास की देवी है। माता श्मशान काली के रूप में मृत्यु तथा मुक्ति देती है। महाकाली नारी शक्ति का रौद्र रूप है। माता का वर्ण श्याम है। काली स्तोत्र के अनुसार माता श्मशान के अंदर भगवान शिव की छाती पर खेलती हुई शाश्वत आनंद की स्थिति में है। माता के दांत भयानक है। काले बादल की तरह चमकदार सांपों से सुशोभित वह काल को भी भयानक रूप से खाने वाली है, लेकिन वह वरद मुद्रा में वरदान देने वाली है। माता की तीन आंखें तीन आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता ने ताजे कटे 51 राक्षसों के सिर की माला पहनी है जो घुटने तक लटकती है। माता के चारों ओर लुमड़िया तथा योगिनियां घूम रही है। माता ने मूर्त शिशु के शरीर से बने हुए कुंडलों की जोड़ी पहनी है। माता की कमर में पहने हुए राक्षसों के कटे हुए हाथों की माला है जो माता के सम्मान का रक्षा करता है। माता का यह भयानक रूप भी मंगलकारी है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अमावस्या के दिन सूर्य हुई थी, इसलिए हमें कार्तिक अमावस्या के अगले दिन नया साल मनाते हैं। माता की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालाष्टमी को हुआ था। इस शुभ दिन पर काली की बड़े ही उत्सव से साथ पूजा होती है। कुछ जगह काली चतुर्थी को भी काली का दिन कहा जाता है। इस दिन माता की पूजा करी जाती है। दार्शनिक रूप से श्मशान भूमि आत्मा का प्रतीक है, जो मोह माया ईर्ष्या स्वार्थ आदि विकृतियों से पर है। मनुष्य के हर नकारात्मक पहलू इस श्मशान में पूरी तरह से जल जाते हैं, इसलिए काली तारा भैरवी आदि देवियों का वास श्मशान घाट में है। माता महाकाली दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। माता का शनिवार पर प्रभुत्व है। माता की साधना पुष्य नक्षत्र में रविवार को रात्रि काल में करने का विधान है। माता कुंडलिनी योग में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तंत्र मार्ग में काली की उपासना के लिए दीक्षा अनिवार्य है, फिर भी अनन्य भक्त शरणागति से माता की कृपा किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। माता के शुद्ध हृदय से भक्ति से माता काली प्रसन्न हो जाती है। माता की प्रसन्नता से साधक को सहजता में और सरलता में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। माता महाकाली के विषय में बहुत सारी सामग्री है जो समय के अभाव से सब बताना संभव नहीं। माता ने जिस प्रकार प्रेरणा दी उस अनुसार माता के स्वरूप का वर्णन किया। अगले एपिसोड में हम दूसरी महाविद्या तारा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डिवाइन देवी पावा वाली महाकाली माता की जय हो। जय महाकाली, तेरा वचन न जाए खाली।